आज हम बात करेंगे बेस्ट डॉग फॉर हॉट वेदर इन इंडिया। अगर आप इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी में आप कौन से डॉग सूटेबल रहेंगे आपके लिए, एक बेस्ट फैमिली मेंबर बनाने के लिए, एक बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जितनी भी गर्मी में डॉग पालना चाहते हैं तो एक तो वो स्मॉल होना चाहिए, ज़्यादा लार्ज ब्रीड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लार्ज ब्रीड जो है गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी में किसी किसी के बॉडी में से स्मेल आने लग जाती है, किसी किसी डॉग के अंदर से जीभ बाहर निकाल लेते हैं, मुँह में से पानी सा निकलता रहता है। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्मॉल ब्रीड। स्मॉल ब्रीड बहुत कम खाते हैं, मुँह में से पानी नहीं निकालते हैं, 24 घंटे उनकी जीभ बाहर नहीं रहती है, क्योंकि वो कम खाते हैं। तो कम खाने में और छोटी ब्रीड होने की वजह से उनको गर्मी कम लगती है। दूसरा आपको देखना है कि उसकी बॉडी पर बाल ज़्यादा बड़े बड़े ना हो, क्योंकि हमारे भी बाल ज़्यादा बड़े होते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो गर्मी का दूसरा रीज़न हो सकता है आपके डॉगी के फर बड़े बड़े ना हो, लॉन्ग कोट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा 0 कोट हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चिवावा, इसकी जो बॉडी पर कोट है वो कोट बहुत स्मॉल है, 0 साइज आप बोल सकते हैं, छोटे छोटे बाल हैं, जैसे कि कटिंग करा रखी है उसकी। और दूसरा है आपका फ्रेंच बुलडॉग। फ्रेंच बुलडॉग की बॉडी पर बिल्कुल भी बाल नहीं होते हैं, ये भी काफ़ी स्मॉल साइज में ही मिलते हैं आपको, और काफ़ी लोग फ्रेंच बुलडॉग के बारे में जानते भी होंगे। तो इसकी जो हैबिट्स होती हैं वो एक तो खाना बहुत कम खाता है, बार्किंग बहुत कम करता है, बाहर अगर आप घुमाने वॉक पर ले जाते हैं तो छोटी सी वॉक में ही थक जाता है। तो आपको गर्मी में ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी कि हाँ इसको पार्क में घुमाना है या इसको दौड़ करानी है जब ये थकेगा, जब ये सोएगा, क्योंकि डॉग के पास में कोई काम नहीं होता है, तो वो आप एक्सरसाइज करा के, ट्रेनिंग करा के ही उसको थका सकते हैं, उसकी एक्सरसाइज करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेस्टहाउंड। डेस्टहाउंड भी एक तरह से छोटी ब्रीड है और इसका बिल्कुल ही 0 कोट होता है, बिल्कुल बॉडी पर बिल्कुल भी बाल नहीं दिखते हैं, जिसकी वजह से ये भी गर्मी को सहन करने में बहुत ज़्यादा कामयाब ब्रीड मानी जाती है इसको गर्मी के लिए। और ये काफ़ी शांत भी होते हैं और इनको भी ज़्यादा वॉक की ज़रूरत नहीं होती है, आप घर में ही छोटा मोटा प्ले करके इसके साथ में खेल के, बॉल के साथ खेल सकते हैं, किसी टॉय के साथ खिला सकते हैं, और वहीं पर ये खेल के आराम से शांत हो जाता है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत कम खाता है, आप कूलर में पंखे में अगर नहीं रखेंगे इसको तो आप थोड़ा सा पार्क में भी इसको हवा खिलाकर घर पर वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पग। पग ब्रीड भी काफ़ी ऐसी होती हैं कि ज़्यादातर ये इनको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है, ज़्यादा भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप भी ज़्यादा किसी से नहीं करते हैं, ज़्यादातर आप अकेले अगर रखना चाहते हैं तो अकेला भी रह लेते हैं, और थोड़ा सा फैटी होने की वजह से थोड़ा सा 25% आप इसको लेजी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप फैट बना लेते हैं किसी भी डॉग का तो वो लेजी हो ही जाता है। तो आप थोड़ा सा इसके फैट का ध्यान रखें, क्योंकि पग के अंदर फैट बहुत जल्दी आ जाता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर शेरपाई। शेरपाई की भी 0 साइज कोट होता है, इसका बिल्कुल भी बॉडी पर फर नहीं दिखेंगे, रिंकल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप थोड़ा सा गर्मी में इसको कूलर या पंखे में रख कर भी आराम से पाल सकते हैं। तो ये भी बड़ी आसानी से पल जाते हैं शेरपाई, और शेरपाई थोड़ी सी कॉस्टली ब्रीड होती है और गर्मियों में थोड़ा सा इनके दाने वगैरह भी निकल जाते हैं। तो आप इनको लाइफ टाइम कोई नॉन वेज या कोई भी ऐसी चीज़ ना दें जिससे ये गर्म महसूस करें, इनकी बॉडी गर्म हो जाए, और जिसकी वजह से रेड 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 से मतलब स्क्रैच से आ जाते हैं, बॉडी रेड टाइप की हो जाती है, पिंपल निकल आते हैं इनके हेड फेस पर, तो उस थोड़ा सा उस चीज़ का आप ध्यान दें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिकट बोलो, पास में रख के उसके, आप गुड बॉय बोलो।